हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वजन अपने साथ टेंशन भी बढ़ा देता है, जिसके कारण कभी कभी हम हर वो चीज फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं जो थोड़ा जल्दी रिजल्ट हमें मिले, जो थोड़ा जल्दी रिजल्ट हमें दे। पर दोस्तों, हर किसी की बॉडी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। जो क्षमता है बॉडी की, वो हर किसी की एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों के लिए आसान होता है, कुछ लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ये अच्छा साबित होता है, कुछ लोगों के लिए पनिशमेंट सा बन जाता है। ऐसी एक वेट लॉस प्लान है जिसका नाम है जीएम डाइट प्लान। दोस्तों, जीएम डाइट प्लान जो है वो बेशक हमें रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, बेशक इससे 5 से 7 किलो वजन एक हफ्ते में कम हो जाता है, मगर ये डाइट प्लान हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी के लिए डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जो थोड़े से कमजोर हैं। उनके लिए तो ये डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग काफी टाइम से ये एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, मतलब काफी टाइम से वो पतले होने की कोशिश में हो, लेकिन वो पतले ना हो पा रहे हो, फिर उन्हें अचानक से इस डाइट प्लान के बारे में पता चला और उन्होंने सोचा कि चलो इसको भी फॉलो कर लेते हैं, तो वैसे लोगों के लिए डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पहले से कमजोर होते हैं। ये डाइट प्लान फॉलो करने के बाद वो और ज्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत और ज्यादा बुरी हो जाती है। तो वैसे लोगों को ये डाइट प्लान बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। जिन महिलाओं का आफ्टर डिलीवरी वेट गेन हुआ हो, उन्हें तो ये डाइट प्लान बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। कम से कम 1 से 1.5 साल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर डिलीवरी सी सेक्शन से हुआ हो, फिर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर किया तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत आ सकती है। जो कोई इसे फॉलो करना चाहता भी है तो उसे पूरा ध्यान देना होगा कि अपने कैल्शियम प्रोटीन्स की कमी उनको उनमें ना हो। किसी भी तरह से जो न्यूट्रिशन है वो पूरा उनको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान देना ही होगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इससे दांत में पेन चालू हो जाता है, टूथेक चालू हो जाता है, दांत में बहुत दर्द चालू हो जाता है, बालों का झड़ना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स ये एक डाइट प्लान से हो जाता है। अगर आप पहले से वीक हैं और फिर भी आपने इसको किया है, तो आप में इतने सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो डेली 1 गिलास नींबू पानी पीते हैं। नींबू निचोड़ के वो हर रोज 1 गिलास पीना पसंद करते हैं। तो अगर जीएम डाइट प्लान के दौरान भी अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बंद करना होगा। आप जीएम डाइट प्लान के दौरान ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, वो फॉलो नहीं कर सकते अपना। अगर आपने फॉलो किया तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। इससे घुटने में दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है आपका, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम इससे आ सकता है। घुटने में दर्द भी कैसा रहेगा, आपको चलने फिरने में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होगा। अब बगैर सपोर्ट के उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको सपोर्ट लेके ही उठना बैठना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर आप वीक हैं, अगर आप नहीं कुछ लाइक आप में कैपेसिटी स्टेमिनाज वगैरह कम है, तो आप इसको फॉलो ना करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है। मैंने जिन जिन दिक्कतों का सामना किया है, मैंने वो शेयर किया है। बाल तो मेरे हद से ज़्यादा झड़ने लग गए थे मेरे बाल। फिर मैंने होममेड ऑयल का यूज़ किया तो जाके कहीं आराम मिला। फिर घुटने में प्रॉब्लम, जो कि मैंने बताया, घुटनों में दर्द हो जाती है, टूथेक चालू हो जाता है, वो सब मुझे हुआ। फिर मैंने कैल्शियम न्यूट्रिशन पे अपने ध्यान देना शुरू किया, तो उससे फिर मुझे ये प्रॉब्लम्स, मेरा इस प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लग गया, थोड़ा थोड़ा मेरा हालत जो है वो ठीक होने लग गया। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था मुझे, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया तो उसमें कुछ ना कुछ तो सुधार आया। दोस्तों, ये बातें हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने डाइट प्लान अगर शेयर किया है, तो फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि किन लोगों के लिए ये है डाइट प्लान और किन लोगों के लिए डाइट प्लान नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, कमज़ोर यानी कि वीक जो पीपल हैं, जो वीकनेस जिनमें ज़्यादा है, तो वो ये डाइट प्लान आप फॉलो करें, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। बाकी के लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, इसके रिजल्ट में तो कोई शक ही नहीं है, वजन कम होता ही होता है। जिन्हें कोई प्रोग्राम्स अटेंड करना है, फंक्शन अटेंड करना है, उन्होंने अपने कोई आउटफिट सोच के रखा है कि उनको वही आउटफिट पहनना है और वो पतले में ही अच्छे लगेंगे, और उनके पास टाइम कम हो, तो वो ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। मगर फिर वही बात बोलूँगी दोस्तों, सेहत का तो ध्यान देना ही होगा। सेहत अच्छी रहेगी तो ही मूड अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।